कोरोना महामारी के बीच 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल्स दोबारा खुल गए हैं। 7 महीने बाद सिर्फ 50% सीट अलॉटमेंट के साथ सिनेमा हॉल्स को खोलने की इजाजत दी गई है और ऐसे में कई ऐसी मूवीज हैं जिन्हें दोबारा रिलीज किया जा रहा है। आज रील रिवाइंड में हम इन्हीं मूवीज की बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रील रिवाइंड और मैं हूँ फरहा। सबसे पहले बात दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की। शाहरुख और काजोल स्टारर DDLJ ने इसी हफ्ते 25 साल पूरे किए हैं और ये खबर जोर पकड़ रही है कि ये मूवी जल्द ही 18 देशों में दोबारा रिलीज होने जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 25 सालों का जश्न अब पूरे 18 देशों में मनाया जाएगा, जिनमें जर्मनी, UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, USA, UK, कनाडा, मॉरिशियस, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया और फिनलैंड शामिल हैं। केदारनाथ, नेक्स्ट फिल्म जो रिलीज होने जा रही है वो है केदारनाथ। सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान स्टारर केदारनाथ भी बिग स्क्रीन को दोबारा हिट करने को तैयार है। फिल्म दिसंबर 2018 में रिलीज हुई थी जिसे मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। हालांकि सुशांत के काम को सबने सराहा था। उत्तराखंड फ्लड पर बेस्ड इस मूवी को देखना सुशांत के फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। तानाजी, ओम रावत की बनाई ये फिल्म मराठा योद्धा तानाजी की लाइफ पर बेस्ड थी, जिसमें टाइटल रोल निभाया था अजय देवगन ने। मूवी में उनके अलावा सैफ और काजोल भी लीड रोल्स में थे। ये फिल्म इसी साल जनवरी में दीपिका की छपाक के साथ रिलीज हुई थी। थप्पड़, तापसी पन्नू की मूवी थप्पड़ भी इस लिस्ट में शामिल है। थप्पड़ कहानी है अमृता की, जिसकी परफेक्ट दिखने वाली फैमिली लाइफ बिल्कुल बिखर से जाती है जब उसका हस्बैंड उसे एक पार्टी के दौरान थप्पड़ मार देता है। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा और तापसी पन्नू दोनों ने ही मूवी की री रिलीज को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्साइटमेंट शो की है। शुभ मंगल ज्यादा सावधान, 2017 की रिलीज शुभ मंगल सावधान की सीक्वल इस मूवी को हितेश केवलिया ने बनाया था, जो कि कहानी थी दो ऐसे लड़कों की जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो किस तरह की परेशानियों का सामना करते हैं अपनी फैमिलीज को मनाने के लिए, फिल्म की यही स्टोरी है। फिल्म में आयुष्मान खुराना, जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता और गजराज राव लीड रोल्स में नजर आए थे। वॉर, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की ये फिल्म भी बिग स्क्रीन को दोबारा हिट करने वाली है, यानी हम फिर से एक धमाके की उम्मीद कर सकते हैं। वॉर कहानी है एक इंडियन सोल्जर की। ये फिल्म 7 कंट्रीज के अलग अलग 15 शहरों में शूट की गई थी, जिसमें लीड रोल्स में ऋतिक, टाइगर और वाणी कपूर थे। मलंग, रोमांटिक थ्रिलर इस मूवी में अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी और कुणाल खेमू नजर आए थे। इस फिल्म में लोगों को दिशा और आदित्य की केमिस्ट्री खूब भाई थी। फिल्म फरवरी 2020 में सिल्वर स्क्रीन पर दर्शकों को नजर आई थी। आशिकी 2 के बाद ये मोहित सूरी और आदित्य रॉय कपूर के साथ में सेकेंड कोलैबोरेशन था। पीएम नरेंद्र मोदी, उमंग कुमार की पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जो कि उनके बचपन से पीएम बनने तक की कहानी है, जिसमें टाइटल रोल विवेक ओबेरॉय का था। इसके अलावा फिल्म में बमन ईरानी, दर्शन कुमार, मनोज जोशी, प्रशांत नारायण और जरीना वहाब भी थे। ये मूवी पहली बार 24 मई 2019 को रिलीज हुई थी। वैसे आपको बता दें कि इस वक्त जब सिनेमा हॉल्स खुल चुके हैं और कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही, तो दर्शकों के लिए सिनेमा हॉल्स में KGF, सोनू की टीटू की स्वीटी, कबीर सिंह और सत्यमेव जयते जैसी फिल्में सिनेमा हॉल्स में अवेलेबल हैं। वैसे इनमें से आप कौन सी फिल्म दोबारा देखना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताना मत भूलिए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।